नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं बिट्टू की दर्द भरी कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूं। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहां से इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का अंतिम भाग सुनाती हूँ। उस दिन पिताजी ने बिट्टू को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन बिट्टू की आंखों में ना कोई आंसू थे और ना ही चेहरे पर कोई उदासी थी। बिट्टू घर छोड़कर चला गया तो माँ ने पिताजी से पूछा कि मेरे बेटे का अपराध क्या था। पिताजी ने माँ को कोई भी जवाब नहीं दिया और घर से निकल गए। बिट्टू ने घर तो छोड़ दिया था, लेकिन उसने हमसे हाथ नहीं खींचा। वो हर महीने माँ को अच्छी खासी रकम भेजा करता था। उसके पैसों से माँ ने नए इलाके में घर खरीदा। उस इलाके में किसी को नहीं पता था कि हम क्या सहकर आए हैं। हम तो सभी की नज़रों में खानदानी बन गए थे। माँ ने हमारे लिए रिश्ते ढूंढे और हमारी शादियाँ करवा दी। हमें नहीं पता कि बिट्टू कहाँ है और किस हाल में है, लेकिन कल जब मैं बाजार गई तो मेरी मुलाकात बिट्टू के दोस्त विनोद से हुई। वो बिट्टू के लिए बहुत चिंतित था। उसने हाथ जोड़कर मुझसे विनती की कि मैं बिट्टू से मिल लूँ, वरना वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। सुमित, आप प्लीज़ मुझे बिट्टू के पास ले चलें। मैं रितू की बातों से चकराया हुआ था जब उसने हाथ जोड़कर मुझसे विनती की थी। मैंने माथे पर हाथ डालते हुए कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हें इतना पूछना था कि आज जो काम वाली मौसी मेरे घर पर आई थी, उसकी हकीकत क्या है। तो वो बोली कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूँगी, लेकिन मुझे डर है कि असलियत जानने के बाद आप मुझे तलाक दे देंगे। पर इससे पहले बस आप मेरे साथ मिलके मिट्टू को ढूंढ लें, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। हमेशा की तरह मैं रितू की बात भी मान ली थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं मिट्टू को ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे विनोद भी याद था। रितू ने खुद ही कबूल कर लिया था कि वो उससे प्यार करती थी। सबसे पहले मुझे विनोद को ढूंढना था जो रितू को मार्केट में मिला था, लेकिन वो रितू से मिलने के बाद कहीं गायब हो गया था। मैंने विनोद और बिट्टू के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने सभी संपर्कों का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन जो बातें मुझे पता चल रही थी वो काफ़ी परेशान करने वाली थी। बिट्टू और विनोद को लोग किस काम के लिए जानते थे, वो अगर रितू अपने कानों से सुनती तो डूब मरती। मैंने उनकी खोज जारी रखी थी। आखिरकार मैंने उनके फ्लैट का पता हासिल करने में कामयाब हो गया था। शाम होते ही जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने रितू से कहा कि रितू तैयार हो जाओ, आज हम बिट्टू से मिलने जाएंगे। वो मेरी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी थी। उसने तुरंत दुपट्टा सिर पर ओढ़ा और बोली कि आप मुझे लेकर चलिए। तो हम दोनों एक पौस इलाके में एक फ्लैट के सामने खड़े थे। मैंने डोर बेल बजाई तो विनोद ने दरवाज़ा खोला था। वो मुझे नहीं जानता था, इसलिए बोला कि आजकल बिट्टू कोई शो नहीं कर रहा है, आप यहाँ से जा सकते हैं। विनोद का हुलिया औरतों वाला था। तभी मेरे पीछे से रितू निकलकर सामने आ गई तो विनोद पीछे हट गया। हम बिट्टू के फ्लैट में दाखिल हुए थे। बिट्टू सामने ब्लाउज में ही बैठा था। उसके सोफे के सामने का टेबल तरह तरह के नशों के सामानों से भरा पड़ा था। इस समय भी वो नशे में ही दिख रहा था। रितु को देखते ही उसने विनोद को इशारा किया था कि ये सब चीज़ें वहाँ से उठा दे। बिट्टू तो अभी भी अपनी बहन से नहीं मिला था। वो बड़े कठोर स्वर में बोला कि क्या करने आई हो यहाँ। रितु बिट्टू को इस हालत में देखकर रो पड़ी थी। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई मेरे भाई, बिट्टू रो पड़ा था। वो बोला कि क्या क्या सुनोगी, जाने दो रहने दो, कहाँ से शुरू करूँगा और कहाँ पर ख़त्म। क्या तुम ये सुनने आई हो कि बिट्टू पूरे मुंबई शहर का सबसे मशहूर किन्नर है। बिट्टू की बात सुनकर रितू तड़प उठी थी। तुम्हें याद है ना कि संजू दीदी भूख से मर गई थी, तुम्हें तो याद ही होगा, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा भाई बिट्टू भी भूख से मर गया था। उसके शरीर में एक नई आत्मा पैदा हो गई थी, एक किन्नर की आत्मा। घर में गरीबी थी ना, इसलिए विनोद ने मुझसे कहा कि रात में लिपस्टिक लगाकर भीख मांगते हैं। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन उस रात भीख नहीं मिली थी, ताने मिले थे, घटिया सुझाव सुनने को मिले थे। मेरी अंतरात्मा तो उसी रात को बर्बाद हो गई थी।
अब मैं और विनोद रात को मेकअप करके भीख मांगते थे। एक रात हमको किन्नरों के गुरुओं ने अगवा कर लिया था। उन्होंने कई दिनों तक हमें भूखा रखते हुए मारा भी था। वो गुस्से में था कि हमने क्यों उनकी सीमाओं का उल्लंघन किया है। हम पुरुष होकर भी क्यों तीसरे जन के हक को लूट रहे हैं। भला एक या बात हुई ऋतु, भीख मांगना भी किसी का हक होता है क्या? हम दोनों ने उनके गुरु को अपने हालात बताए तो उसका दिल भी नरम पड़ गया था। उसने एक महीने बाद हमें पैसे वगैरह देकर भेज दिया था। लेकिन जब मैं घर आया तो मेरी बहन संजू घर पर नहीं थी। मैं टूट गया था, लेकिन मैं सोचता था कि कहीं तुम छह जन भी भूख से ना मर जाओ। इसलिए मैं रोज रात को चेहरे पर मेकअप लगाकर भीख मांगता था। मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे थे तो घर के हालात भी सुधरने लगे थे। लेकिन हमेशा हराम की पीने वाले मेरे पिताजी को मेरी कमाई हराम कैसे लग गई? उसे किसी ने बताया था कि मैं किन्नर बनकर सड़क पर भीख मांगता हूँ। उसने मुझे घर से निकाल दिया था तो मैं जीत पर आ गया और वापस उस गुरु के पास चला गया जिसने मुझे अगवा कराया था। मैंने उसे कहा था कि गुरु मुझे अपने साथ मिला ले। वो हंसने लगा था। उसके शब्द आज भी मुझे याद हैं। वो बोल रहा था कि अगर तुम्हें नाचना और गाना सीख लिया तो तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुझमें नजाकत भी बहुत है। मैंने फिर सब कुछ सीख लिया, अदाए नाच गाना। मैं अपने शराबी बाप के हाथों मजबूर होकर मर्द से किन्नर बन गया था। पूरे शहर में मेरे नाम का डंका बजने लगा था। लोग मुझे दूर दूर से अपनी शादी ब्याह के समारोहों में बुलाते थे। मैं जाता और डांस करके खूब पैसे कमाता था। फिर वो पैसे अपने सामने रख देता और नशे में धूत होकर अपने आप को मारता पीटता, खुद को गालियाँ देता कि मैं कैसा मर्द हूँ। हालात से तंग आकर किन्नर बन गया। फिर वो सारे पैसे आप लोगों को भेज देता था। जिस दिन आपसे किसी एक बहन की शादी होती थी तो मैं सारे कार्यक्रम रद्द करके लड़कों जैसे कपड़े पहन के बहुत खुश हो जाता था कि तुम बहनों के सिर पर हाथ रखकर तुम्हें विदा कर दूँ। लेकिन फिर सोचता कि अगर वहाँ किसी बाराती ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा। बस यही सोचकर फिर से रोने लगता था। फिर एक एक करके तुम सब बहनों की शादियाँ हो गई तो पिताजी और अधिक बेफिक्र हो गए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि माँ मेरे पैसों में से उस बेफिक्र इंसान को भी पैसे देती होगी। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है रितु, जब मैं एक समारोह में मंच पर परफॉर्म कर रहा था तो मेरी नज़र किस पर पड़ी? उस शख्स पर जिसे हम अपना बाप कहते हैं। वो नशे में धुत था। मेरे मेकअप के पीछे छिपे मेरे चेहरे को पहचान नहीं पाया था। पिताजी मेरे एक एक ठुमके पर पैसों की बरसात कर रहे थे। मैंने वो फंक्शन पूरा करने के बाद अपने पिता के कान में जाकर कहा कि पिताजी मैं तुम्हारा बिट्टू हूँ, क्या मैं सबको बता दूँ कि तुमने जन्म दिया है? मुझे मेरे हराम के पैसों से तुम बड़े इज्जतदार बन बैठे हो। मेरी बातें सुनकर पिताजी ने मेरे मुंह पर थूक दिया रितु। ये बोलकर बिट्टू फूट फूट कर रोने लगा। रितु उसके गले लगकर तड़प रही थी। मेरी और विनोद की भी आंखें भीग गई थी। तभी बिट्टू ने कहा कि पिताजी ने उस बेटे के चेहरे पर थूक दिया जिसने उनकी वजह से अपनी मर्दानगी गवा दी थी और अपनी इज्जत को मार डाला था। पिताजी ने हम सभी के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया है। तब मुझे पता चला कि माँ पिताजी को छोड़कर अपनी दूसरी बेटी के घर चली गई है, तो मैंने पैसे भेजने बंद कर दिए थे। अब तो खैर मैंने भी नाचना छोड़ दिया है, इसलिए मेरी ये हालत है। मैंने भाई होने का फर्ज निभाया है। मैंने अपने बहनों की शादियां तो कर दी है। अब मैं इस पापी और अपमानजनक जीवन को छोड़कर सबसे छिप कर रहना चाहता हूँ। रितु और बिट्टू के चेहरे पर उनका दुख बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। रितु बोली कि बिट्टू तुमने हम सभी के लिए जो कुछ भी किया है मेरे भाई, उसका कर्ज हम पूरी ज़िंदगी चुका नहीं सकते। आज हम सब बहने अपने अपने घर में खुशहाल की जिंदगी जी रहे हैं और तुम यहाँ किस मुसीबत से गुजर रहे हो। बिट्टू तुम जानते हो क्या पिताजी भीख मांगने लगे हैं। एक दिन हमारे घर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने पिताजी खड़े होकर भीख मांग रहे थे। मेरे भाई मैंने उन्हें बुला लिया और कहा कि मेरे घर की सफाई किया करो तो तुम्हें दो वक्त की रोटी दे दिया करूँगी। वो आते हैं मेरे घर पर, बड़ी मुश्किल से सफाई करते हैं। उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि वो काम कर सके।
लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो भीख मांगे। सारी जिंदगी उसने मुफ्त में रोटियां तोड़ी है, तो क्या अब वो भी ऐसा ही करे। मैं उससे हम सबका हिसाब लेना चाहती हूँ। फिर रितु ने मेरी तरफ मुड़कर कहा कि सुमित, वो काम वाली मौसी के रूप में आने वाला शख्स मेरा बाप है। अब सारी हकीकत मेरे सामने थी। मैंने रितु को माफ़ कर दिया था, मुझे ही बिट्टू का बड़ा भाई बनना पड़ा। मैं उसको और विनोद को अपने साथ घर ले आया था, लेकिन जब डॉक्टर से बात की तो उन दोनों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाना पड़ा था, जहाँ पर हर हफ्ते उनका मनोचिकित्सक द्वारा भी इलाज किया जाने लगा। जीवन की बहुत ही कड़वी यादें उनके दिमाग में बैठ गई थी, जिनको नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मिटाना जरूरी था। मैं और रितु हर हफ्ते उन दोनों से मिलने जाते। उनमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, जबकि रितु अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढने में व्यस्त है। जहाँ तक रितु के पिताजी का सवाल है, वह हर दिन हमारे घर की सफाई करने आते हैं। मैं रितु को समझाता हूँ कि वो अपने पिताजी को माफ़ कर दे, मगर वो अभी माफ़ करने के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं है, क्योंकि रितु के पिता ने बहुत ही ज़्यादा अन्याय और बहुत ही गलत किया था उन सभी के साथ, और उसकी माँ के साथ, और सबसे ज़्यादा गलत उसके भाई बिट्टू के साथ हुआ था। बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई उसके पिता की वजह से ही। उसकी बड़ी बहन संजू का भी मौत हो गया, क्योंकि रितु के पिताजी एक नंबर के शराबी थे। उन्होंने अपनी एक भी जिम्मेदारियां नहीं निभाई और अपने परिवार का थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा। कम उम्र में ही उसके भाई बिट्टू पर सारी जिम्मेदारी आ गई। बेचारे ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी अपने जिम्मेदारियों को निभाने में। इसलिए रितु बहुत ही ज़्यादा नाराज है अपने पिता से, और शायद रितु अपने पिता को माफ़ भी नहीं कर पाएगी। दोस्तों, क्या रितु को अपने पिता को माफ़ कर देना चाहिए, या रितु जो अपने पिता के साथ कर रही है वह सही कर रही है या गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।